हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SVGM आसीन की केमिस्ट्री क्लासेस में वेलकम बैक। आपको पता है, इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एट फर्स्ट वी आर डिस्कस वर्नर थ्योरी। इन वर्नर थ्योरी वी आर डिस्कस प्राइमरी एंड ए सेकेंडरी वैलेंसी। एंड आफ्टर वी आर डिस्कस सम टर्मिनोलॉजी वर्ड्स, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम्स एंड लाइगेंड स्पीसीज एंड ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, सम टर्म्स वी आर यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो टुडे क्लास स्पेशल क्लास फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, मस्ट बी वन क्वेश्चन आता है इसका। कोई भी बोर्ड हो, चाहे आरबीएससी हो, चाहे सीबीएसई हो, एनी बोर्ड में नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। और वैसे भी आपको पता है कि जब हम नोमेनक्लेचर के बारे में नहीं जानते, इसका मतलब हम कुछ भी नहीं जानते। तो मस्ट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। रटना नहीं है, समझना है पॉइंट टू पॉइंट्स। पहले हम एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि इन स्क्वेयर ब्रैकेट एट फर्स्ट मेटल एंड आफ्टर ए लाइगेंड स्पीसीज। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है उसका आइडेंटिफिकेशन इससे आपको हो जाएगा। अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले यहां जो नंबर दिया गया है, ये क्या है? नंबर ऑफ लाइगेंड स्पीसीज। ये नेम ऑफ लाइगेंड स्पीसीज और ये मेटल, नेम ऑफ मेटल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि आपके सामने मैंने जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहां क्या है? एनायनिक, और काउंटर आयन क्या है? कैटाइन। जबकि यहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? कैटाइन। और यहां क्या है? काउंटर आयन एनायंस। तो फर्स्ट जो अपना पॉइंट है नोमेनक्लेचर का, वो मैं क्लियर कर देता हूं कि एट फर्स्ट जब भी हम कोई भी फॉर्मूला आपके सामने आएगा, उसके अंदर आपको दो पार्ट दिए जाएंगे। फर्स्ट पार्ट कैटायन होगा और सेकंड पार्ट क्या होगा? एनायन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। जैसे यहां एनायन और यहां क्या है? कैटायंस। इसमें ये नहीं है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमेशा ही क्या आता है? एनायन। हमेशा ही क्या आता है? कैटायन। ऐसा कुछ भी नहीं है, कैटायंस भी आ सकता है और एनायंस भी आ सकता है। तो सबसे पहले जो काउंटर आयन होता, इससे रिलेटेड अपना जो रूल है वो अच्छी तरह से क्लियर कर लें। काउंटर आयन केवल इसका नाम लिखा जाएगा, नेम ऑफ काउंटर आयन, केवल इसका नाम लिखा जाएगा, इसके नंबर को राइट नहीं किया जाएगा। डू नॉट राइट ए नंबर ऑफ ए काउंटर आयंस, ऑलवेज रिमेंबर। तो सबसे पहले काउंटर आयन में क्या दिया गया है? पोटेशियम आयन। तो ठीक है, पोटेशियम। फिर सबसे पहले कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है, इसका नोमेनक्लेचर में आपको क्या ध्यान रखना है? नंबर ऑफ लाइगेंड्स लिखने हैं, फिर नेम ऑफ लाइगेंड स्पीसीज लिखना है, फिर नेम ऑफ मेटल्स लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले किसका नाम? नंबर ऑफ लाइगेंड्स कितने हैं? सिक्स। सिक्स के लिए क्या यूज करेंगे? हेक्सा। फिर नेम ऑफ लाइगेंड स्पीसीज क्या है? सीएन। सीएन के लिए क्या आता है? साइनिडो। फिर नेम ऑफ ए मेटल्स,
मेटल क्या है Fe, फेरम, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स आयन जब एनायनिक हो तो मेटल के नेम के एंड में क्या लगेगा, एट लगेगा, एज ए सफिक्स क्या लगेगा, एट लगेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। तो पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन करना है, किसका, ऑक्सीडेशन नंबर का। तो आपको पता है मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या माना, एक्स, पोटेशियम का कितना होता है प्लस वन, कितने हैं थ्री, प्लस साइनाइड के कितने हैं सिक्स, कितना माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस थ्री। तो नोमेनक्लेचर में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज राइट इन पेरेंथेसिस विद रोमन नंबर, विद रोमन नंबर। तो कंप्लीट नेम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट थर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, सबसे पहले क्या है, जो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया उसमें कैटायनिक पार्ट कोऑर्डिनेशन सफियर है और एनायनिक पार्ट काउंटरायन है। काउंटरायन का ऑलवेज राइट टू नेम, डू नॉट राइट ए नंबर ऑफ ए काउंटरायन्स। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ, एक नंबर पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लाइगेंड्स, फिर दो नंबर पे क्या लिखेंगे, नेम ऑफ लाइगेंड स्पीसीज, और तीन पे क्या लिखेंगे, नेम ऑफ ए मेटल्स। और मेटल में मैंने आपको बताया है कि अगर कोऑर्डिनेशन सफियर कैटायनिक है तो नेम ऑफ मेटल इज सेम, डू नॉट चेंज इन एनी मेटल नेम्स, बट कोऑर्डिनेशन सफियर इज एनायनिक देन एंडिंग ऑफ द मेटल नेम इज राइट एंड एड टू सफिक्स एट, क्या लगाते हैं, एट। तो अब इसका जब अपने नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ लाइगेंड स्पीसीज क्या है, फोर, तो क्या आ जाएगा, टेट्रा, फिर एमीन, फिर कॉपर। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे तो इसका एक्स, ये क्या है, न्यूट्रल लाइगेंड स्पीसीज है, जीरो, इसका कितना होता है, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, इट मींस कॉपर, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टू, तो कॉपर सेकंड। मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन टू राइट विद पेरेंथिसिस टू रोमन डिजिट एंड काउंटर आयन इज सल्फेट, सो राइट सल्फेट। तो जो कोऑर्डिनेशन सफियर है उसका नेमिंग वन वर्ड्स में लिखा जाएगा, उसमें स्पेस नहीं दिया जाएगा, जबकि काउंटराइन और कोऑर्डिनेशन सफियर के बीच में स्पेस दिया जा सकता है, बीच में इनमें जैसे स्पेस दे दिया, जबकि काउंटराइन का, सॉरी कोऑर्डिनेशन सफियर का कंप्लीट नेम किस में लिखा जाएगा, वन वर्ड्स में लिखा जाएगा। तो दोबारा से नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके सामने होगा उसमें काउंटराइन और कोऑर्डिनेशन सफियर होगा, हो सकता है दोनों ही कोऑर्डिनेशन सफियर हो सकता है दोनों ही कोऑर्डिनेशन सफियर हो। तो आपको मैंने बताया जो फर्स्ट है वो कैटायनिक है और जो बाद में है वो एनायनिक है, हो सकता है आयन के रूप में हो, ठीक है। अभी हम इसके से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे अलग अलग, तो उसमें और क्लियर होता जाएगा। इन कोऑर्डिनेशन सफियर सबसे पहले नंबर ऑफ लाइगेंड्स लिखना है, फिर दो नंबर पे नेम ऑफ लाइगेंड स्पीसीज लिखना है, तीन पे क्या लिखना है, नेम ऑफ मेटल लिखना है। अगर एनायनिक है, इफ एनायनिक कोऑर्डिनेशन सफियर देन नेम ऑफ मेटल टू suffix add 8, क्या करेंगे, 8।
जैसे एफ के लिए हमने क्या बताया आपको, फेरेट। अगर कॉपर आता है तो क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट। और यदि जैसे एजी आ गया तो क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। पैलेडियम आ गया तो क्या लिखेंगे, पैलेडेट। तो इस टाइप से इनके क्या लिखे जाएंगे, नेम लिखे जाएंगे। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, एनायनिक है। अगर कोऑर्डिनेशन क्या है, स्फीयर क्या है, पॉजिटिव, तो मेटल नेम सेम, नो चेंज इन मेटल नेम इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज ए पॉजिटिव या कैटायनिक, राइट। ये मेटल नेम में ध्यान रखना है। फिर मेटल नेम के बाद क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, मेटल का, किस में, विद पेरेंथेसिस इन ए रोमन न्यूमेरल, इन ए रोमन न्यूमेरल। तो ये कुछ रूल्स हैं, बिल्कुल भी आपको रटाफिकेशन नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें और आपके क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको चार्ज ऑन लाइगेंड स्पीसीज अच्छी तरह से याद करना है, नेम ऑफ लाइगेंड स्पीसीज अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हम अभी इसके नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल लिखेंगे और उनको देखेंगे। नेक्स्ट है K3FeC2O4 थ्राइस। नेक्स्ट है सेकंड है PtNH3 2 Cl NH2 CH3 Cl। थर्ड है CO En थ्राइस और यहां आ गया Cl3 Br3। कुछ भी लिखो चाहे आप, कुछ कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। चलिए जी, आपके सामने मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, आप इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट इन विच काउंटर आयन कैटायनिक एंड ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक पार्ट, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, काउंटर आयन में क्या लिखना है, नेम ऑफ मेटल आयंस, डू नॉट राइट ए नंबर ऑफ आयंस। क्या नाम है, पोटेशियम, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले नंबर ऑफ लाइगेंड स्पीसीज क्या है, 3, तो क्या जाएगा, 3 के लिए ट्राई, ठीक है, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ट्राई। C2O4 क्या चीज है, ऑक्सीलेटो, फेरेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर, तो पोटेशियम का आपको पता है +1 होता है कितने, 3, प्लस Fe का कैलकुलेट करना है माना X, C2O4 पे चार्ज होता है -2, 1 आयंस पे -2, तो 3 पे कितना है -6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3, तो फेरेट थर्ड। नेक्स्ट, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान से देखिए, ये क्या है, बाइडेंटेट लाइगेंड स्पीसीज है, सो इसका कोऑर्डिनेशन
जो नंबर है वो क्या रहेगा, प्लस सिक्स रहेगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या सीन कर रहे हो कि जो नंबर ऑफ लाइगेंड स्पीसीज है वो मोर देन वन है। क्या है? मोर देन वन है। तो उसके लिए अल्फाबेटिकली रूल आर अप्लाइड व्हेन नंबर ऑफ लाइगेंड स्पीसीज मोर देन वन, देन वी आर अप्लाइड अल्फाबेटिकली रूल। कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? अल्फाबेटिकली। तो यहां आपको क्या क्या दिया गया है, NH3, NH3 का नाम क्या था, एमाइंस। ठीक है, तो आगे Cl क्लोरिडो, फिर CH3NH2, क्या नाम है इसका, मेथेनेमीन। तो अल्फाबेट में A पहले, फिर C और फिर M, लिखिए इसका। अब ये कैटायनिक है तो सबसे पहले नंबर ऑफ लाइगेंड स्पीसीज कितने हैं, 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई, तो डाई एमीन क्लोरिडो मेथेनेमीन प्लेटिनम। ध्यान से देखिए, प्लेटिनम क्यों आया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन सफियर इज कैटायनिक पार्ट, सो इन कैटायनिक पार्ट डू नॉट चेंज इन नेम ऑफ ए मेटल्स। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, न्यूट्रल ये -1, ये न्यूट्रल 0 0 और ये -1 एक्स, तो कितना आ गया, -2 आगे +2, तो प्लेटिनम सेकंड, और आगे क्या दिया, क्लोराइड, तो नाम आ गया क्लोराइड। तो क्या हो गया, डाई एमीन क्लोरिडो मेथेनेमीन प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड्स, राइट। तो अब आपके यहां एक नया कंसेप्ट और ऐड हो गया नोमेनक्लेचर में, क्या हो गया, इफ मोर देन वन प्रेजेंट इन एनी कोऑर्डिनेशन स्फीयर लाइगेंड स्पीसीज, देन वी आर यूज या वी आर अप्लाइड अल्फाबेटिकली रूल्स। नेक्स्ट क्या है, EN, व्हाट आर EN, ध्यान से देखिए, मैंने एब्रीवेशन में बताया था EN इज रिलेट टू एथाइलिन डाइएमीन, किससे रिलेट है, इथाइलिन डाइएमीन से रिलेटेड है, CH2NH2 एंड CH2NH2, किससे रिलेटेड है ये, इथाइलिन डाइएमीन से। अब इसका यूपीसी नेम क्या होगा, इथेन 1-2 डाइएमीन। ठीक है, अब इसके नाम में क्या रहा है, डाई। अब यहां एक कंसेप्ट और ऐड होगा, इफ एनी लाइगेंड स्पीसीज इन नेम टू हैव डाई ट्राई टेट्रा, देन नंबर ऑफ लाइगेंड स्पीसीज टू राइट इन फोर 2, 20, 3, 30 and 4 tetrakis and 5 pentakis and 6 hexakis, right। तो ध्यान से देखिए, किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नोमेनक्लेचर में नेम ऑफ लाइगेंड स्पीसीज से रिलेटेड जो 5 मेन रूल्स हैं वो आपके सामने आ गए। पहला, जब भी हम किसी भी लाइगेंड स्पीसीज का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले उसका नंबर लिखेंगे, फिर उसका नेम लिखेंगे। ठीक है, अगर मोर देन वन लाइगेंड स्पीसीज है तो अल्फाबेटिकली रूल अप्लाइड करेंगे, और यदि किसी लाइगेंड स्पीसीज में पहले से ही
इन नेम डाई ट्राई टेट्रा प्रेजेंट है तो उस लाइगेंड स्पीसीज के नंबर्स के लिए बिस ट्रेस टेट्राकिस पेंटाकिस एंड हेक्साकिस यूज किया जाएगा। ये ही मेन रूल्स ऑफ नेम फॉर ए लाइगेंड स्पीसीज है। मेटल्स के लिए दो चीजें ध्यान रखनी है, अगर कोऑर्डिनेशन सफियर कैटायन है तो नो चेंज इन मेटल नेम, इफ कोऑर्डिनेशन सफियर इज एनायनिक पार्ट सो चेंज इन नेम ऑफ मेटल एंडिंग इज एड एट, सफिक्स इज एड एट। और कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन नंबर में विद पेरेंथेसिस लिखना है, यही नोमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स हैं। अब आगे जैसे इसका नोमेनक्लेचर करेंगे ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले कैटायनिक पार्ट है कोऑर्डिनेशन सफियर, तो कितने नंबर हैं थ्री। अब इसके नाम में क्या आ रहा है डाई, तो यहां क्या यूज करेंगे ट्रिस, क्यों, क्योंकि ट्रिस थ्री के लिए है, ठीक है ट्रिस। फिर इसका नाम लिखेंगे, क्या नाम है इसका इथेन, और मैंने कहा स्पेस नहीं देना, वन वर्ड्स में नाम आना चाहिए, तो ट्रिस इथेन वन टू डाई एमीन, ट्रिस इथेन वन टू डाई एमीन कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है एक्स प्लस जीरो माइनस थ्री, क्योंकि वन के इसका माइनस वन वन के लिए है तो थ्री के लिए कितना माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सोल्व करेंगे तो एक्स कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है थ्री, और काउंटर आयन का ओनली क्या लिखा जाएगा नेम, नंबर ऑफ काउंटर आयन डू नॉट राइट नहीं लिखा जाएगा राइट। तो इस टाइप से इसका नाम हो गया ट्रिस इथेन वन टू डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड है क्लोराइड्स। ये नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। इस टाइप से आप किसी का भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, बस आपको नेम ऑफ लाइगेंड स्पीसीज आना चाहिए। जो एनायनिक लाइगेंड स्पीसीज है उनके अंत में क्या था ओ आता है, जैसे आपने देखा साइनिडो क्लोरिडो, ठीक है। एक टेबल आपकी बुक्स में दी गई, उस टेबल को आपको बार बार राइट करना है रीड करना है, तब जाके आप नोमेनक्लेचर में एकदम कंप्लीट परफेक्ट होंगे। जो एब्रीवेशन हैं तीन चार वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट दो चार एग्जांपल्स और लेते हैं। ये थ्री एग्जांपल्स हो रहे हैं, इनको नोमेनक्लेचर में फिर देखते हैं। पहले सबसे पहले आपके सामने दिया गया है इसमें CO, व्हाट आर नेम ऑफ CO कार्बोनिल्स, क्या नाम है कार्बोनिल, तो सबसे पहले नंबर ऑफ लाइगेंड्स कितना आएगा टेट्रा कार्बोनिल्स। मैंने बताया आपको स्पेस नहीं, ओनली वन वर्ड्स में ही नाम लिखा जाएगा टेट्रा कार्बोनिल। आगे क्या है ये, कोई चार्ज नहीं, इट मींस न्यूट्रल है, तो नेम ऑफ मेटल सेम रहेगा निकल। ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या है न्यूट्रल लाइगेंड स्पीसीज है सो जीरो, पर आपको लिखना मस्ट भी ऐसे नहीं है जीरो तो हम उसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है, जीरो है तब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर विद पेरेंथिसिस न्यूमेरिकल इन रोमन न्यूमेरल में लिखना है, ठीक है। इसका नाम हो गया टेट्रा कार्बोनिल निकले जीरो। आगे आप क्या देख रहे हो,
कि आपके सामने दोनों के दोनों कैटायनिक एंड एनायनिक दोनों पार्ट क्या हैं, किसमें दिए गए हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दिए गए हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आप तो अपने जो रूल्स दिए गए हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के वो देखो क्या है, 4 इट मींस टेट्रा, फिर क्या है एमीन, फिर निकिल, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, फिर टेट्रा, वही पहले आएगा क्लोरिडो, यहां क्या आएगा क्यूप्रेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर अब इसका एक्स 0, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा सेकंड, यानी दोनों का 2, 2। तो टेट्रा एमीन निकिल सेकंड, टेट्रा क्लोरिडो क्यूप्रेट सेकंड, इसका क्या हो जाएगा नाम हो जाएगा। अब नेक्स्ट को देखिए क्या है, काउंट्राइन कैल्शियम, तो लिख दो पहले कैल्शियम, फिर एडीटीए, एडीटीए क्या बताया था मैंने आपको, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, तो क्या बन जाएगा एसीटेटो, ठीक है। तो अब कुछ है ही नहीं नंबर, तो डायरेक्ट इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो या इथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है। तो इसका लिखेंगे इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो कोबाल्टेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, +2 एक्स, इसका कितना होता है -4, सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 2। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, कैल्शियम इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो कोबाल्टेट सेकंड। तो इस टाइप से इनका क्या कर दिया जाएगा, नोमेनक्लेचर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे जनरल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट्स आपके सामने जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसमें प्रेजेंट होगा। बाय चांस इस टाइप से आता है कोई, अब इसमें क्या है नहीं, परंतु अब अपने इनके किससे फॉर्मूले से अपने को पता चल जाएगा कि ये कोऑर्डिनेशन है कंपाउंड्स का। अब जैसे कई बार डायरेक्ट आ जाता है NaBH4, अब इसका नोमेनक्लेचर करना है अपने, क्या देख रहे हो आप, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट कहते हैं, पर जब इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रूप में होगा तो ये ऐसे होगा, पर ये इसमें दिया हुआ नहीं होगा, ये आपको अंडरस्टैंड रखना है, इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी इनको देखने से कि ये किससे रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आएगा, सोडियम अब पेट्रा एच नेगेटिव, क्या कहते हैं हाइड्राइडो, अब बोरोन किसमें चला जाएगा, बोरेट में, बोरेट, और थर्ड कैसे आया, सोडियम का +1, बी का कैलकुलेट करना है, एच का 1 का -1 0, सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो क्या आएगा थर्ड। तो नाम हो गया सोडियम टेट्रा हाइड्राइडो बोरेट थर्ड। ऐसे ही आपने नाम सुना है LiAlH4, अब दो मेटल साथ साथ आ रहे हैं, अब इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बट ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका जब कोऑर्डिनेशन के रूप में करेंगे तो क्या नाम आएगा, लिथियम वही टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट, क्या आएगा एल्यूमिनेट, टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड, वही कैलकुलेट करोगे एक्स मान के इसको। तो इस टाइप से कई बार अपने जब दो मेटल्स एक साथ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से एक काउंट्राइन और दूसरा क्या है अपना लाइगेंड स्पीसीज के साथ जो प्रेजेंट है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले नंबर ऑफ लाइगेंड स्पीसीज, फिर नेम ऑफ लाइगेंड स्पीसीज,
अगर लाइगेंड स्पीसीज ज्यादा है तो अल्फाबेटिकली रूल अप्लाइड करेंगे, अगर किसी लाइगेंड स्पीसीज में नेम में ही डाइट्राई आ रहा है तो उसके नंबरिंग के लिए अगर 2 है तो बिस यूज करेंगे, 3 है तो ट्रिस यूज करेंगे, 4 है तो टेट्रा किस यूज करेंगे, ये मैंने आपको बताया है। ये लाइगेंड स्पीसीज है। मेटल से संबंधित 2 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, अगर कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो कोई चेंज नहीं होगा, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो मेटल के नेम के एंड में क्या लगेगा, 8 लगेगा। ऑक्सीडेशन नंबर जो मेटल का उसको विद पेरेंथिसिस इन रोमन न्यूमेरल में राइट करना है, ये जनरल सी बातें हैं। विद एग्जांपल्स हमने इसको डिस्कस किया, लास्ट में मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया। अब जितने भी आपको जो भी नाम मिलता है उसका जो भी फॉर्मूला उसका सबसे पहले नोमेनक्लेचर करो, क्योंकि नोमेनक्लेचर को सीखने के लिए प्रैक्टिस मस्ट बी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका नोमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में अपने फॉर्मुलेशन से रिलेटेड लेंगे, तो फॉर्मुलेशन से रिलेटेड लेंगे तो उसमें पहले नाम लिखा जाएगा और फिर क्या आएगा फॉर्मुलेशन, उसमें कोई ज्यादा अलग से रूल नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट 3-4 बातें अपने को ध्यान रखनी है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आप नेम ऑफ लाइगेंड्स एंड चार्ज ऑफ लाइगेंड स्पीसीज का अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, उनके नोट्स बनाइए, उनको बार बार लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, कीप एंजॉय विद योर स्टडी।